सीधा सवाल आपसे अभय जी, क्या नाम बदलने से आप लोगों को काम बनने की उम्मीद जग गई है? हाँ गौरव जी, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके सूत्र हैं जिन्होंने स्टोरी गढ़ी है आपकी ये चैनल पर, वो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रधार हैं। अंदर किसी प्रकार की कोई नाराजगी का स्वर नहीं था, सब लोग एक मत थे इंडिया पर कि ये लड़ाई भारतवर्ष की है, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। यहाँ से ये बात प्रारंभ हुई और इंडिया में आई स्टैंड करता है भारतवर्ष के लिए, एन है राष्ट्रीयता के लिए, जो भारत का राष्ट्रीय स्वरूप हमारा है उसके लिए है। उसके बाद डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी, डी जो है उसके लिए उसको प्रतिबिंबित करता है, और इंक्लूसिवनेस, समावेशीता, समावेशी विकास, जिस प्रकार मोदी सरकार ने सिर्फ मुट्ठी भर धन्ना सेठों के विकास पर ध्यान दिया, किसान की आमदनी 27 रुपए कर दी, युवाओं के 12 करोड़ रोजगार छीन लिए, 84% लोगों की आमदनी कम कर दी, संसाधनों की लूट हुई, ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ये पूरे देश ने देखा है। तो इसीलिए देश एकजुट हुआ और उसी से हमको इस बात की प्रेरणा मिली। भारतीय जनता पार्टी का यह गठबंधन क्यों बना, 38 दल कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री कहते थे मैं अकेला ही काफी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र में, अपने अखबार में लिखा कि अब मोदी जी का चेहरा काम का नहीं है, उसके आधार पर अब आपको वोट मिलने वाले नहीं है। अच्छा, तब ये घबराया और लेके मैं जाता हूँ सारे अभय दुबे, आप ही का सवाल लेके मैं प्रेम शुक्ला के पास जाता हूँ और देखिए कितना सुखद संयोग है। आखिरी बात, अच्छा पूरी कर लीजिए। हाँ देखिए, तो जो दो प्रमुख बातें प्रधान, अब मैं एक बड़ी बात ये कहता हूं, ये 38 दल कहां से आए आप जानते हैं? इसमें से 9 दल की सूची मेरे पास है जो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़े 2019 का, 16 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, और 7 दल ऐसे हैं एनपीपी, एनडीपीएफ, एजेएसयू, एसकेएम, जिनके 7 दलों के एक सांसद है, 32 राजनीतिक दलों की यह स्थिति है। ये क्यों इकट्ठे करने पड़े इनको? क्योंकि पता था इनके 38 नहीं 39 हो गए हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी जुड़ जाएं, लेकिन मैं प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा और देखिए कितना सुखद संयोग है अभय जी, मोहब्बत की दुकान आपके नेता राहुल गांधी चलाते हैं और हमारे पैनल में बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला हैं। प्रेम जी, तो क्या ये जो अभी अभय दुबे कह रहे थे, इंडिया का नाम भारी पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? नहीं, और हम दुकान वाले नहीं हैं, हम लोग दुकान वाले नहीं हैं, आत्मा शरीर कणकण से प्रेम है, दुकान में बिकने वाले सामान नहीं है। नहीं, इंडिया भारी पड़ेगा? देखिए, नहीं देखो, कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुबह ही यह बता दिया था कि माल कुछ है, लेबल कुछ और है। माल कौन सा है? माल है टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, माल है लोकतंत्र का हत्यारा। भाई अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लोकतंत्र के चुनाव के पर्व पर नृशंस हत्याएं की, और उस हत्यारी को बुलाकर जो है प्रधानमंत्री पद की लोलुपता के कारण अपने स्वयं के लोकसभा में जो गुट नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनको या तो वो सच बोल रहे हैं हाईकोर्ट में जाके, या राहुल गांधी हत्यारी को जो है सिर्फ सत्ता की लोलुपता में स्वीकार रहे हैं। ये लोकतंत्र के की स्थिति है, ये मोहब्बत की दुकान है, वो बंगाल की तरफ जो है उनकी जुबान नहीं खुलती है जबकि अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट में खड़े हैं। दूसरा इन्होंने मुद्दा उठाया शून्य सीटों का, साहब लालू प्रसाद यादव के लोकसभा में शून्य सीट है, अब यहाँ के देखुआर अब अगुआ वही है, समझ लीजिए आप जीरो वाले को, और आपके यहां जीरो वाली लिस्ट बहुत लंबी है, और राहुल गांधी तो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े जीरो हैं और लड़ किस से रहे हैं, इस देश के सबसे बड़े नायक से, जिस नायक ने लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के पद पर रहकर महात्मा गांधी की जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो नीतियां थी, अंतिम व्यक्ति का जो है कल्याण करना, उस कल्याण के लिए 30 लाख करोड़ रुपए अंतिम व्यक्ति के खाते में डालने वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसने 48 करोड़ लोगों को बैंक में खाते खुलवा दिए। नहीं तो नीरव मोदी के लिए जाता था राहुल गांधी का फोन, विजय मल्ल्या ने पत्र लिखकर कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको लोन दिलवा दिया, क्यों? क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी का। प्रेम जी यही तो सवाल है,
किंग, यही तो किंग सवाल है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभय दुबे और आपके विपक्षी कह रहे हैं कि आप लोग डिफेंसिव हो गए, अपने काम पे तो जा ही नहीं रहे, अब 38 छोटे बड़े विपक्षी कैसे झूठ बोल रहे हैं, तो दिखा रहा हूं 38 नॉर्थ ईस्ट सब जगह से ला रहे हैं, बटोर रहे हैं, उनसे ज्यादा अकेला भारी था, काम बोलता था, अब आप सबको बटोर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुन लीजिएगा। देखिए हम तो 1998 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाए हुए हैं, 25वां वर्ष है और इस भारत की राजनीति में गठबंधन की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वैचारिक गठबंधन से प्रारंभ हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गठबंधन की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हुए जब जिसको पूर्ण बहुमत होने के बाद भी गठबंधन के साथियों को सरकार में शामिल रखा, और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि छोटे दल इस देश के लिए खतरा है। 1998 में जो है इन्होंने बाकायदा पंचकुला के अधिवेशन में प्रस्ताव लिया कि छोटे दल जो है इस देश के, तो मैं यही सवाल लेकर जाऊंगा, 2007 कि दक्षिण भारत में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम जो है वो किस तरह से जो है राजीव गांधी के हत्यारों का जो है ग्लोरिफिकेशन कर रही है, और 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार इसी इश्यू पर गिराई थी कि मिलाप चंद जैन आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें राजीव गांधी के हत्याकांड में, मैं काम करता हूं, आपने बड़ा ऐतिहासिक रेफरेंस दे दिया है प्रेम जी, आपने 90 के दशक का रेफरेंस दे दिया है।